चिप्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हो तो ये तो तुम ये दुकान वाली लाके खा रहे होगा ना। हाँ, तो दुकान वाली। तो ये तुम्हें पता है ये चिप्स कैसे बनती है? मुझे नहीं पता है। चिप्स नहीं पता है तो आज बनाएंगे आपको, बताए चिप्स कैसे बनती है। हम बताए बताने वाले हैं आलू से चिप्स कैसे बनती है। तो हम कम से कम 3 से 4 किलो आलू लेके आएंगे और फिर उन सभी आलू से बनाने वाले हैं घर पर चिप्स। तो आप वीडियो को एंड तक देखना कि हम किस प्रकार से चिप्स बना रहे हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लगता है? आलू। आलू तो गाइस अभी हमने क्या है कि यहाँ पर ये 3 kg आलू ले लिए और इस सबसे पहले हम इन आलुओं को इसके अंदर डाल के इनको आलुओं को साफ करना है, धोना है इन आलुओं को। तो अभी पानी से इनको धोते हैं अच्छी तरीके से, ये गंदे हुए चुके आलू। आलू हमने साफ कर लिया, अब इन आलू को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन आलू को छीलना पड़ेगा। तो अभी हम इन आलू को छीलते हैं। हमने ये आलू है जो छील लिए और इनका जो कचरा है वो ये रहा। और अब इन सभी आलू को एक बार फिर से साफ पानी से धो लेते हैं। तो अभी इनको धो के फिर इनको काटेंगे अच्छी तरीके से, चिप्स का शेप देंगे इनको गोल तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगा था पहले तो इनको छेलने में टाइम लगा, अब मुझे लगता है सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है वो है इनको काटने के अंदर। इनको काटना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, छीलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। जो बड़े बड़ी फैक्ट्रियों में चिप्स वगैरह बनाते हैं वो तो क्या करते हैं कि सीधा डायरेक्ट मशीनों से कट जाते हैं, पर हमारे पास है नहीं। तो हम हमारे लेवल की बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमारे पास एक देसी भट्टी भी बनानी होगी ताकि इनको काटने के बाद इसको पानी के अंदर इन सभी चिप्स को उबाल सकें। तो देसी भट्टी भी हाँ सुखाना भी है तो ये एक दिन में बनने वाला है। दो दिन लगेंगे। तो अभी इनको सबसे पहले काटते हैं चिप्स को। अभी इसके अंदर है ना पानी डाल देते हैं, इस कढ़ाई के अंदर पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। इतना बहुत है, इसके अंदर अभी पानी गर्म होने के लिए रख दिया और काटने के बाद इस पानी के अंदर उसको चिप्स को फ्राई करना है। पहले पानी के अंदर उबालना है फिर इन चिप्स को तेल के अंदर उबालना है। 12 hours later. हम इसको क्या है 5 मिनट के लिए इस पानी उबलते हुए पानी के अंदर रख देंगे और फिर इसको इस साफ बर्तन के अंदर इन सभी चिप्स को काट देंगे। इस उबल काटा था उसको पानी में फ्राई कर लिया है। अब इसको हम साफ कपड़े में सुखा देते हैं क्योंकि आज मौसम है जो काफी खराब है, बारिश आ सकती है, इसलिए इसको कमरे के अंदर सुखा रहे हैं और पंखा या कूलर चालू कर देंगे। हमने बिछा दिया एक माचे के ऊपर, तो अभी इनको एक एक करके सभी को सुखा देंगे इसके ऊपर। 12 hours later. आज है दिन दूसरा और दूसरे दिन में हमने यहाँ पर ये जो चिप्स है ये सूख गई है अच्छी तरीके से और वहाँ पर हमारा पर्सनल शेफ या जो कि ये बना रहा है तेल को गर्म कर रहा है। फिर अभी हम इन सभी चिप्स को तेल के अंदर तलने वाले हैं। इतनी सारी हमने चिप्स बनाई है घर पर, तो अभी हम इस चिप्स को टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस चिप्स का कैसा स्वाद है। तो सबसे पहले हम हमारे इस मेन डॉन बंदे को
इस चिप्स का टेस्ट कर देते, टेस्ट करके पूछते हैं, इसको टेस्ट कराते हैं कि ये चिप्स कैसी बनी है, तो सर टेस्ट करके बता कैसी बनी है, दुकान वाली से अच्छी आया घटिया आया या फिर। दुकान ना वास्तव में बहुत स्वाद है, बनाने वाले को भी मैं वास्तव में मान लिया। तो गाइस आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। तो आप इसको इस रेटिंग कितना देना चाहोगे, इसे जो हमने ये चिप्स बनाए इसको 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? हम इसको 10 में से 8 नंबर देना चाहेंगे। अभी तो दे रहे थे बहुत स्वाद है यार, अब 10 में से 8 नंबर दे रहे, 2 नंबर किस चीज के कटे? 2 नंबर ही मिर्च तेज है इसमें। अच्छा और तो स्वादिष्ट है, 2 नंबर मिर्ची तेज के कट गए। चलो कोई नहीं, 8 नंबर दिए तो अगली बार हम ट्राई करेंगे कि 10 में से हम 11 नंबर इस बंदे से ले इन किसी दूसरे चीज का चिप्स, चिप्स तो मैंने बना दिया, किसी दूसरी चीज बनाएंगे और उसमें से 10 में से 11 या फिर 12 नंबर इस बंदे से हम ले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयार रहें, बाय बाय।